Hi, this is Abhimanyu Singh. Subscribe to Siddharth Kannan's channel now. <music> <music> Thiran, South's blockbuster film, Shurivanchi, Gulal, Rakta Charitra, and Bachchan Pandey amongst most films. One of India's finest actors, Abhimanyu Singh. Kesa, my brother. बहुत बहुत मजा आ गया यहाँ के भाई बहुत मानता हूं आपके एक्टिंग क्रिडेंशियल आपने बहुत अच्छा काम किया है बहुत के साथ जो हम बात करने वाले हैं आज बच्चन पांडे सूर्यवंशी अक्षय कुमार के साथ बच्चन पांडे अक्षय कुमार के साथ लगता है आप अक्षय कुमार के लाडले बन चुके हैं <laughs> कहने वाले ऐसा कहते तो हैं पर मुझे भी ऐसा लगता है मगर अब यह बात तो आपको अक्षय सर ही बता पाएंगे <laughs> कि मैं उनका लाडला हूं कि क्या हूं <laughs> <laughs> एक ऑनसॉम्बल कास्ट होता है सूर्यवंशी में बहुत सारे लोग होते हैं बच्चन पांडे में बहुत सारे किरदार हैं अक्षय कुमार के इर्द गिर्द भी कभी कभार ये फीलिंग आती है यार कि मैं जो बेहतरीन एक्टर हूं शायद दब जाऊं क्योंकि इतने सारे लोग हैं मेरे इर्द गिर्द ऐसा आता है कभी फीलिंग हां बिल्कुल आता है आपने बिल्कुल सही कहा जब बहुत ज्यादा एक्टर्स होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कहीं आपका कैरेक्टर अनोटिस ना चला जाए या आपके कैरेक्टर को कहीं कंप्लीट ग्राफ ना मिल पाए तो वो एक इनसिक्योरिटी हर एक्टर के मन में रहती है अगर मैं ये कहूँ कि मुझे नहीं है तो मैं झूठ बोलूँगा इसलिए मैं सच बोलना चाहता हूँ मगर उसमें ये कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है और आप स्मूदली अच्छा काम करके जाओ इतने लोगों के बीच में क्या आप कह सकते हो कि अक्षय कुमार आपके थ्री ए एम फ्रेंड बन चुके हैं माने जब भी कठिनाई हो या कुछ तफरी करना हो तो आप उनको आराम से फ़ोन कर सकते हो हाँ मैं फ़ोन तो कर सकता हूँ उनसे मेरी बीच बीच में उनसे बात भी हो जाती है वो एक चीज जो अक्षय पाजी ने आपसे कही होगी जो आपने जिंदगी भर अपने पास रखा है वो क्या है आ, एक अजीब सी बात उन्होंने कही थी कि तू पहले छोटे रोल करता था अब तू बड़े बड़े रोल्स कर रहा है इसमें तुझे क्या लगता है मैंने कहा सर मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत स्ट्रगल किया है बोले नहीं, नहीं नहीं उससे कुछ नहीं होता और उन्होंने एक पेपर पे लिखा तू कितनी भी मेहनत कर ले तेरा मेहनत थर्टी परसेंट है और तेरी जो डेस्टिनी और तेरी किस्मत है वो सेवेंटी परसेंट है तो उन्होंने कहा कि जब तक तेरी किस्मत सेवेंटी परसेंट नहीं होगी तो कुछ नहीं बन सकता है यह बात मैंने काफी सोची और फिर मुझे लगा कि शायद ये 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 इतना एक्सपीरियंस है इनका और खुद इतने सक्सेसफुल हैं हैं अगर ये बात ये कह रहे हैं, तो इसमें ज़रूर कुछ सच्चाई होगी क्या बात है पर मैं ये यकीन करता हूं कि तकदीर में जो भी लिखा है आप अपनी तकदीर खुद भी बनाते हो क्योंकि इतनी मेहनत करते हो और अच्छे एक्टर हो पर यहां तक पहुंचने के लिए आप साउथ में बहुत बड़े नाम हो यहां पे भी अच्छी फिल्में कर रहे हो पर मैंने सुना है कि अभिमन्यु सिंह को बहुत बहुत ठोकरे झेलनी पड़ी उसके बारे में बताओ ना भाई हाँ मतलब शुरुआत शुरुआती दौर में आ, मैं कहूँगा कि काफ़ी स्ट्रगल के फेज से गुजरना पड़ा थिएटर करते वक्त पॉकेट में पैसे नहीं भाग के बस में चढ़ना होता था और हालांकि मैं अच्छी फैमिली से हूँ मेरे माँ पापा चाहते थे कि मैं एक आई ऑफिसर बनूँ और जब मैंने उनको ये झटका दिया कि मैं एक्टर बनने वाला हूँ तो उन्होंने लेटर भेजा और बोला कि ठीक है तो तुम खुद ही अपना घर चला लो हाँ <laughs> अब वो एक ऐसा आ, ऐसी सिचुएशन थी कि आ, मैं अब किस मुंह से पैसे मांगू तो मुझे कैसे भी यहाँ पे सवाई हालांकि जब भी मेरी हालत ख़राब हुई तो घर से ही पैसे आए और तो कहाँ से आ सकते थे पर फिर मैं धीरे धीरे अपनी स्टैंडिंग करने लगा फिर थिएटर फिर धीरे धीरे सीरियल्स और मूवीज़ में काम मिलने लगे तो मिला जुला के कहूंगा कि काफ़ी स्ट्रगल तो किया है मैंने पर यह बताइए आपकी पहली फिल्म थी अक्स राकेश ओम प्रकाश मेहरा करेक्ट और उसमें मनोज बाजपाई भी थे करेक्ट सुने मनोज बाजपाई का बहुत बड़ा हाथ है आपको फिल्म इंडस्ट्री में घुसाने के लिए या लाने में बिल्कुल सही सुना आपने बिकॉज uh, मैं थिएटर करता था उन दिनों और एरावत करके मेरा एक प्ले चल रहा था और मनोज भाई आए उन्होंने प्ले देखा और उन्होंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा को मेरा नाम रिकमेंड किया फिर राकेश uh, मेहरा ने मेरा स्क्रीन टेस्ट किया और uh, मैं शादी बहन की शादी अटेंड करने पटना गया था और वहां पे राकेश मेहरा का फोन आया कि अभिमन्यु कम बॉम्बे इज वेटिंग फॉर यू वो लाइन आज तक मेरे दिमाग में छपी हुई है एंड बॉम्बे इज वेटिंग फॉर यू एंड हाउ एंड टिल टुडे बॉम्बे वेलकम्स यू विद एन ओपन आर्म जब आपने गुलाल की थी जो अनुराग कश्यप की फिल्म थी वो फिल्म हिट हुई बहुत लोगों ने आपकी यू नो प्रशंसा भी की कि यार अभिमन्यु तो छा गया पर वो फिल्म हिट होने के बाद मैंने सुना है कि आपको काम बिल्कुल नहीं मिला था हाँ सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ और इनफैक्ट दो तीन लोगों ने मुझे ये कह के चढ़ा दिया कि तूने बहुत अच्छा काम कर दिया अब तू आराम से घर पे बैठ और लोग आएंगे तेरे पास खुद आ, मैं उन लोगों का नाम नहीं बताना चाहूँगा और मैं उनसे कन्विंस हो गया बिकॉज ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि मुझे लगा कि ये लोग सच बोल रहे हैं और मैंने कहा चलो ठीक है अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है मैंने अपना काम दिखा दिया अब लोग आएंगे और कोई नहीं आया और उसमें दो तीन साल निकल गए और फिर मुझे रियलाइज हुआ और जब मैं लोगों से मिलने लगा तो लोगों ने कहा अभी तक कहाँ सोए पड़े थे जब गुलाल आई सब लोगों ने तुमको नोटिस किया तो उस टाइम तुमको घर से निकल के हम लोग के पास आना चाहिए था अब आ रहे हो हमारी दरबार में यू आर टू लेट ये बताइए कि गुलाल के बाद फिर आप बेरोजगार हुए थे हाँ बिल्कुल माने टीवी नहीं थिएटर नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं लकली फिर मुझे रामगोपाल वर्मा ने रक्त चरित्र में लिया उसके पीछे भी, भी कुछ कहानी है ना मैंने सुना हाँ है। हाँ उसके पीछे भी कहानी है वाइफ को खाना खाना था वो जबरदस्ती इंडिगो लेके गई और वहां पर रामू जी ने मुझे स्पॉट किया और किसी को बोला हाँ ये लड़का मुझे चाहिए उसने नंबर पता किया और लास्ट जब फिल्म खत्म होने वाली है तब एक असिस्टेंट ने आके मुझे बोला कि सर आई यू अवेयर ऑफ द फैक्ट हाउ हाउ यूर कास्टिंग वाज डन आई सेड नो सिर जी बी स्पॉटेड यू एट इंडिगो

आप जानते हैं कि यहाँ पे कैंप का हिस्सा होना या आप एक तरह से कहें तो पीआर या ज़्यादा सोशलाइज़ करना तो वो सब मैं थोड़ा कर नहीं पाता हूँ बिकॉज़ मैं थोड़ा सा मतलब इंट्रोवर्ट हूँ और फैमिली में रहता हूँ मेरे कुछ गिने चुने फ्रेंड्स हैं बस तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद मैं मिसफिट फिट हूँ इस इंडस्ट्री के लिए बिकॉज़ मैं उस तरह से फंक्शन नहीं करता जैसे दूसरे एक्टर्स करते हैं सोशलाइज़ करते हैं पी करते हैं बाकी अपना काम एक्टिंग में बहुत अच्छे से कर सकता हूँ हम भी जाते <laughs> हैं है। पर ऐसा कभी होता है कि, क्योंकि <laughs> टाइम okay. <laughs> you know स्क्रीन पे कम दे दो क्योंकि ये इतना बढ़िया विलन है कि शायद मुझे खा लेगा <laughs> ऐसा कभी हुआ आपके साथ हाँ ऐसा लगता तो है कि हुआ है बिकॉज मुझे कई बार ऐसा पता चला है कि सामने वाला एक्टर आपको नहीं चाहता है कि आप उस फिल्म में हो ये बातें मुझे कहीं कहीं से पता चल जाती है मगर आई थिंक इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाई जाती है समंदर में और यह इंडस्ट्री भी एक समंदर जैसा ही है ये दुनिया ही वैसी है तो मुझे लगता है कि आ, फिटेस्ट जो सर्वाइव करना है उसको सबसे ज़्यादा फिट रहना पड़ेगा आप मुझे बताओ जब आप स्ट्रगल कर रहे थे और इतने साल काम नहीं था डिस्पाइट अ हिट फिल्म लाइक गुलाल hmm. उस वक्त आपने टीवी में क्यों नहीं एंट्री मारी क्योंकि टीवी टी वी वे राइट हाँ आपने सही कहा बिकॉज टीवी मैं पहले ही करके निकल चुका था टीवी से और टीवी वी मैं कर रहा था और टीवी आ, को मैं मैंने बहुत रिस्पेक्ट से मैंने टीवी किया बिकॉज मेरे दूसरे भी बहुत सारे एक्टर फ्रेंड्स थे जो टीवी कर रहे थे रात दिन और उनका था कि उन्होंने फ्लैट ले लिया था ई पे आई गाड़ियाँ ले ली थी तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे वो शादी कर चुके थे उनको पैसे कमाने थे मैं टीवी सिर्फ कर रहा था मैं टीवी को एज अ पेड रिहर्सल लेके चल रहा था मुझे पैसे मिल रहे थे और मैं टीवी में सीख रहा था पर मैंने पूरी तरह से अपने आप को टीवी में झोंक देना बेहतर नहीं समझा उस वक्त मुझे लगा कि मैं अपने आप को थोड़ा बचाऊं तो एक बार जब मैं टीवी से बाहर निकल गया और फिर गुलाल आई फिर मेरा वापस जाना बनता ही नहीं था सीधा या तो मैं एक्टिंग ही छोड़ देता <laughs> या मतलब अगर मैं वहां जाता तो मैं एज एन एक्टर खत्म हो जाता सुना है कि करण जोहर के साथ भी आप काम करने वाले हैं अभी। अरे आपको किसने बताया भाई हम <laughs> सब <साथ> जानते हैं। <laughs> 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 बहुत अब जब आपने आपको पता ही है तो इसमें इस क्या छुपाना है? हाँ, है मैंने बट इंडस्ट्री में जैसे आप आउटसाइडर हो राइट right? सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ते हुए आप बंबई आ गए आई ऑफिसर बनने वाले थे बट इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं जब हम सुनते ये कैंप वो कैंप कुछ लोग पैदा ही हुए उस कैंप में उनको मालूम है पैदा होने से लेकर जब तक वो है उनको पचास फिल्में मिल जाएंगी ऊपर नीचे और जो भी कभी कभार फ्रस्ट्रेशन हुआ कि मैं क्यों नहीं एक कैंप का हिस्सेदार हूं हूँ कभी कभी अफसोस तो होता है कि मैं क्यों नहीं हर अच्छे कैंप का हिस्सा हूं आ, पर फिर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जगह खुद ही बनानी है और जिसको पहले से ही सिल्वर स्पून में सिल्वर प्लेटर में सब कुछ मिला हुआ है उसके लिए भी सिद्धार्थ मैं कहूंगा कि आज मुश्किल है आज आप खुद ही देख लो कि बड़े बड़े स्टार के भी जो बच्चे हैं वो भी उतना अच्छा कहां कर पा रहे हैं सबके पास फिल्में है कि कहाँ हैं? तो इंडस्ट्री ऐसी जगह है कि आपको पता नहीं है कि आप अपना बैकअप लेके भी चल रहे हो तो वो आपको खड़ा करेगी क्या मुझे तो नहीं लगता अगर आप फिल्मी बैकग्राउंड से भी आ रहे हो तो आपका टैलेंटेड होना जरूरी है अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपका लकी होना जरूरी है कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि आपकी आपकी फिल्में चल जाए वरना तो फिर पर मुझे एक एडवांटेज ये लगता है कि अगर आप बाहर से आए हुए हो तो यू हैव गॉट नथिंग टू लूज एब्सोल्युटली फेयरलेस बन जाते आप। आ, हो आप फेयरलेस हो जाके वहीं बैठ जाएंगे गया वही हाँ। हाँ। नहीं? हाँ? वही चाय वाली स्टॉल स्वामी जाएगी दोस्तों से मिले चाय मार लेंगे चाय मार लेंगे बट भाईजान ऐसा कभी हुआ कि जब आपका एक ब्रेक डाउन मोमेंट हुआ है हाँ हुआ हुआ ब्रेक डाउन मोमेंट मेरा हुआ जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे दो तीन लोगों ने मुझे बोला था कि काम मिलेगा और सडनली किसी और एक्टर को कास्ट कर लिया गया तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी और uh, मैं थोड़ा सा डिसोरिएटेड हो गया इनफैक्ट uh, मुझे अब ये बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए बिकॉज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता मैं आई स्टार्टेड यू नो लीडिंग अ वेरी हार्ड ड्रिंकिंग लाइफ स्टाइल विद अ कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड देवर राइटर्स वन वॉज ट्राइंग टू बिकम अ डायरेक्टर तो ड्रिंक करना ये वो सब भी डार्क जोन में मैं गया मगर एक पॉइंट पे मुझे लगा कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है बिकॉज आप कभी कभी एज एन एक्टर इतने वलनरेबल हो जाते हैं और एज एन एक्टर आप हमेशा एज पे हो uh, कोई भी आर्टिस्ट जैसे आप हैं मेरे सामने बैठे हुए आप भी एक आर्टिस्ट हैं मैं भी हूँ आर्टिस्ट ही थोड़ी सेंसिटिव है बहुत और ये बातें दूसरों को रियलाइज होने से पहले आपको हिट कर जाती है आपको समझ में नहीं आता कि आप इतने सेंसिटिव हो कोई बात आपको लग गई जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स जैसे निर्मल पांडे जो बैंडेड क्वीन में थे जब उनका दरवाजा टूटा तो ही वॉज डेड ऑन द फ्लोर ही वॉज ड्रिंकिंग फॉर थ्री डेज वो मेरे दोस्त थे मुझे पता चला मुझे बहुत ही दुख हुआ तो ये सब चीजों को देखते हुए मैं थोड़ा सा घबरा गया मैंने कहा कि ये कोई रास्ता नहीं है जिस पे चल के आपको कुछ हासिल हो जाएगा फिर इन क्षणों में मैंने अपने पापा से बात की मेरे पापा एक बहुत विद्वान आदमी है और वो सख्त खिलाफ थे मेरे इस फिल्म इंडस्ट्री में आने के और वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के कुछ अच्छा करूं जैसा आपने कहा ये ऑफिसर बनू जब उन्होंने सुना कि मैं थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो रहा हूं तो तब उन्होंने अपने तरकश में से एक बाण निकाला और उन्होंने कहा कि तू सिर्फ एक लाइन ध्यान में रख वेद की लाइन तेरे को दे रहा हूं मैं कार्यम साधे आमी शरीरम पाते आमी या तो कार्य की सिद्धि होगी वरना शरीर का विनाश होगा जिस दिन तू यह सोच लेगा तू कभी फेल नहीं हो सकता कि या तो मैं जो करने आया हूं अचीव कर लूंगा या तो मैं खत्म हो जाऊंगा फिर इस जज्बे के साथ मैं आगे बढ़ा फिर मैं थिएटर करने लगा फिर धीरे धीरे चीजें अपने आप होने लग गई वाह मुझे गूसबम्स हो गए यार भाई जब ये ड्रिंकिंग में आप घुस गए थे उसे बाहर कैसे निकले बाहर निकल गया बस मैंने अपने आप को समझाया कि अब मैं ऐसे नहीं कर सकता बिकॉज uh, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा उस वक्त का एक मेरा फ्रेंड जो बहुत ही करीबी फ्रेंड था जो एक बहुत बड़ा स्टार बन गया था और उसको मैंने देखा कि वो ड्रिंकिंग में खत्म होते चला गया लोग उसका वेट कर रहे हैं शूटिंग पे और वो घर पे ड्रिंक कर रहा है मैं उसको मैं उसको निकालने गया ड्रिंक करने से और मैं उसके साथ बैठ उसके साथ ड्रिंकिंग शुरू कर दी मैंने और जब भी मैं उसके साथ बैठा वो ड्रिंकिंग सेशन दो से तीन दिन चला उसके पहले वो खत्म नहीं हुआ और ये सिचुएशन में मुझे एक पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही गलत है और थैंकफुली मेरा विल पावर बहुत मजबूत है तो मुझे कहीं भी रीहैब या वो सब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज मैं कुछ हार्डकोर एल्कोहलिक नहीं बन चुका था तब तक मैं जस्ट उसमें जा रहा था और वो एक्टर आज कहीं नहीं है सिद्धार्थ इंटरव्यू के बाद उसका नाम बता दूँगा